माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं महान भारतवर्ष के प्रथम नागरिक को मैं सादर नमन करती हूँ तथा सभा में उपस्थित सभी महानुभाव गणों का अभिनंदन करती हूँ। मैं साक्षी मुदलियार सैन्य अभियंता सेवाएं विभाग की 2022 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ एवं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले की निवासी हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का क्षण है कि मुझे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर एवं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मुखिया के समक्ष अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सहृदय आभारी हूँ अपने माता पिता एवं गुरुओं की, जिन्होंने मेरी महत्वाकांक्षाओं को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। महोदया, एक प्रशिक्षु से जिम्मेदार लोक सेवक बनने का सफर 4 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण की शुरुआत अक्टूबर 2023 सैन्य अभियंता कॉलेज पुणे से हुई। सैन्य अभियंता सेवाएं विभाग अहर निशम सेवा महे के सिद्धांत पर उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है तथा भारतीय जल थल एवं वायु सेवा के पृष्ठवंश के समक्ष कार्य कर रहा है। प्रथम चरण में हमने प्रतिष्ठित संस्थान निकमार NADFM इरीसन में क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया। हम समझते हैं कि देश जिस तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर है उसमें अभियांत्रिकी तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः द्वितीय चरण की शुरुआत हैदराबाद के इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से की गई, जहां हमें उन्नत अभियांत्रिकी के बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त कराया गया। इसके उपरांत 14 सप्ताह की अवधि वाले पाठ्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान तेलंगाना से हुई। एक सफल अधिकारी का व्यक्तित्व उसके गुणों की पराकाष्ठा होता है। हमें ऐसे मूलभूत गुण अनुशासन, जवाबदेही एवं अखंडता का भली भांति रूप से अभ्यास कराया गया। शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा भारतीय लोक प्रशासन, कानून व्यवस्था एवं कार्य जीवन संवर्धन जैसे विषयों का पर्याप्त ज्ञान प्रदान किया गया। वहीं पाठ्योत्तर एवं सांस्कृतिक गतिविधियों ने साथी गणों में संघ भावना को विकसित किया। 1.5 माह की अवधि वाले तीसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2024 प्रबंधन विकास संस्थान गुड़गांव से हुई, जहां हमें कूटनीतिक एवं वित्त प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिला। इस चरण में हमें अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखा परीक्षा केंद्र नोएडा एवं प्राइड जैसे संस्थानों में भी प्रशिक्षण दिया गया। चौथे एवं अंतिम चरण में हमने विभाग की विभिन्न गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त किया एवं विभागीय सिद्धांतों को अंतर्निहित किया। महोदया, इस प्रशिक्षण के उपरांत हम स्वयं को अधिक कार्यकुशल एवं राष्ट्र निर्माण में समर्पित पाते हैं। मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाउ I would like to invite my fellow officer trainee, Mr. Sunny Kashyap, for sharing his training experience. Honorable President, esteemed dignitaries and fellow officers, a very good morning to all of you. I am Sunny Kashyap, MES probationer of the UPSC 2022 batch. It is a matter of great pride and privilege to have got an opportunity to share our insights on a comprehensive training and development journey that took across diverse regions of India, engaging with as many as 12 eminent institutions. Honorable President, the military engineer services operate in some of the most challenging terrains across our nation, demanding high-level preparedness and adaptability. Our induction training was designed with this in mind, ensuring trainees acquire essential technical and managerial skills to meet these challenges head on. I can confidently say that this journey has been profoundly transformative for all of us, enhancing our capabilities and reshaping our perspectives to better serve our nation. As detailed by my fellow officer, our induction training was meticulously structured to incorporate latest technologies and global standards. We underwent specialized training which equipped us with advanced skills in computer-aided design, project management, structural design, and switchgear technology. It aligned the goals and vision of MES with the government's initiatives, rules, and policies, thereby empowering us to adapt to the evolving needs of defense infrastructure.
Besides technical and managerial knowledge, our training extended beyond instilling in our institution. We deepened our understanding of Indian history, culture, law and polity, fostering democratic values essential for serving our citizens. Our visits to Telangana's villages provided invaluable insights into overcoming barriers that hinder the policy implementation at the grassroots level. Also, trekking in the Nilgiris reinforced the importance of teamwork and realization of our inner strength. In line with Honorable Prime Minister's vision to achieve net zero emissions by 2070, our training at National Institute of Solar Energy has been pivotal. We have gained essential skills to harness solar energy within military installations, propelling India towards becoming a global leader in solar energy. Additionally, we had the unique opportunity to visit Parliament, which gave us invaluable insights into legislative processes. Our training was completed with a young officer's course in which basic works procedures and all other relevant aspects of MES functioning were covered. It has provided us with the necessary knowledge needed to effectively implement the infrastructural and operational needs of the armed forces. Throughout the training, we developed deep bonds between us and a lifelong friendship to share our joy, happiness, and also hardships. Honorable President, MES is committed to integrating latest global construction practices, including 3D printing, precast methods, net zero buildings, and green technologies. We are focused on creating smart cantonments with a strong emphasis on reducing our carbon footprint. The future of our organization and the growth of our nation rest on our shoulders. As future leaders of MES, it is our responsibility to embrace and stay ahead of the technological advancements to achieve the ambitious goals set by the government. Honorable President, I am confident that after this comprehensive and rigorous training, we are now well prepared to uphold the MES motto, Quest for Excellence, and we pledge to serve our great nation with unwavering dedication and excellence. Thank you. Jai Hind. So this is the moment we all have been waiting for. May I kindly request Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to enlighten all of us with her kind words. Priya Probationers, आज मुझे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के आप सभी अधिकारियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि एमईएस भारत के स्ट्रेटेजिक एवं प्रोफेशनल ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण एवं रख रखाव से जुड़े सबसे बड़े एवं सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा देश के अंदरूनी इलाकों में एमईएस द्वारा सुविधाएं विकसित की जाती हैं। एमईएस तीनों सेनाओं के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कई अन्य यूनिट्स को भी अपने सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रकार ये सेवा भारतीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है। सिविलियंस तथा डिफेंस पर्सनल्स में तालमेल और सहयोग का अच्छा उदाहरण एमईएस में दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर एमईएस के लोगों को विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। इस सेवा का आपदा संबंधों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जरूरत पड़ने पर एमईएस द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सहायता प्रदान की जाती है। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण सेवा में शामिल होने पर हार्दिक बधाई देती हूँ।